हेलो गाइस, परवम अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए मार्शल का मैजिक शो सीन का रिएक्शन, जो कि है थलपति विजय समंथा काजल अग्रवाल की सुपर डुपर हिट मूवी। जब से लाइक हमने एयरपोर्ट सीन और साथ में वो मार्शल का दूसरा सीन किया था, मार्शल हॉस्पिटल सीन किया था, तब से लोगों के कमेंट सेक्शन में इतना आ रहा था कि लाइक मैजिक शो सीन बहुत शानदार है, वो जरूर देखिए। और इसके बाद शायद मेरे ख्याल सीन खत्म हो जाएंगे तो हम फिर पूरी मूवी देख लेंगे, और मार्शल जो सुपर डुपर हिट मूवी तो पता लग जाएगा क्या है उसके अंदर पूरा का पूरा प्लॉट। बाकी तो इमोशनल सीन तो बहुत ही मतलब दिल दहलाने वाला था। और वही अगर मैं एयरपोर्ट सीन की बात करूं तो एकदम अलग ही वेव आने वाला था कि किस तरीके से वो मतलब एक डॉक्टर बन के वो करता है, जो हमने बहुत बार ऐसी कहानी सुनी हुई है। और अभी ये देखते हैं मैजिक शो सीन में क्या होगा, लेकिन मैजिशियन कब से बन गए ये समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज इंटरेस्टिंग मूवी देखने वाली बिल्कुल। और ऊपर से व्यूअर्स ने जैसा बताया कि ट्रिपल ट्रिपल रोल है, तो एक तो जैसे वो हॉस्पिटल वाला हो गया, एक जैसे वो डॉक्टर हो गया जो एयरपोर्ट पे आया था, तो ये हो सकता है तीसरा रोल हो, तो बहुत मजा आने वाला। और ऊपर से विजय जी को मैजिक शो करते देखना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो बस देख लेते हैं। और ऊपर से अभी रिसेंटली हमने जो थ्योरी देखा है उसके बाद तो हमें कुछ भी हो सकता है, शायद मैजिक में कुछ और निकल आया, दोनों विजय जी, एक विजय जी, दोनों विजय जी को निकाल दे, कुछ भी हो सकता है, बहुत मजा आएगा देखने में। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाओ, बहुत बड़े मैजिशियन मस्त है ना बीजीएम, मास्क पहन लिया। ओहो, क्या अंदर से निकल के एंट्री मारी है बे, वाओ आगे ग्रैंड शो लग रहा है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। ओहो, वेलकम, क्या बात है, तगड़ा किया है। शॉट स्लो होते हैं वैसे मैजिशियन। बॉक्स है, आवाज आ रही है अपने, ओ बाप रे, ओबे अंदर से कौन निकल गया, अरे विजय जी निकल गए, क्या बात है वे। और ऐसे मैजिक में मोस्टली वो होता है, आजू बाजू में कपड़ा रखा होता है। बिल्कुल, अच्छा बच्ची को बुलाया, क्या बात है, ओहो बेर तो नहीं आ जाएगा, लग तो वही रहे, गई तभी तो केज बंद किया, शेर आ गया, हाँ सही है यार, पहली बार देखा मैंने ऐसा। ओ ये इनका वो, पर कुछ गड़बड़ होगी, मेरे को इतना सीधा साधा नहीं लग रहा है मैजिशियन। निकाल के लेके जा रहे हैं, खतरनाक। ये बहुत खतरनाक होता है वाला जादू, मुझे लगता है यहीं पे कोई गड़बड़ होगी, क्या पता, ये शायद पार्ट्स अलग अलग किए हुए रहते हैं। हाँ वो तो मैजिक में देखा हुआ है। हाँ अभी तक काजल वार से मिले नहीं है,
कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि स्टार्टिंग में जो दिखा था कैमरा इनके ऊपर रोका गया था और ये बार बार इनको दिखाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, एक अरबपति लग रहे हैं। लास्ट में खूब बन गया। The last sword. I would like to say a poem for my Tamil friend Dr. Arjun. पहले से कनेक्शन लग रहा है भाई, देखो फट गई इसकी, कहां पर है? ओह माय गॉड, इंटरवल सीन में देखा था ना वो पीछे वाला, शायद उनको कुछ परेशान करने वाला ये याद। ओह शिट, बाप रे, ऑडियंस के सामने, ओह माय गॉड, ये क्या था? ये सीन देखने के बाद ना मेरे से बिगिल का वेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल मेरे को है, मेरे को बिगिल देखने की, उसमें फर्स्ट है उसमें क्या ट्विस्ट होते हैं, लाइक थ्योरी देखा तो उसमें एक अजीब सा ट्विस्ट, इसमें देखा इसमें एक अलग सा ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट लेके आए, लाइक वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार उनको कुछ परेशान कर सकते हैं, कर सकते हैं, मुझे पता एक मर्डर ही कर देंगे, और वो जिस तरीके से पहले तीन मारे तो हा 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 वो हंस ऐसे रहा था, और फिर वो चौथे मारते वक्त अपना मास्क उतार के उसको दिखा रहा हूँ, और फिर साथ में वो पूरी वो तमिल पोएम बताना जिसमें बताना कि तुमने जो पहले आग लगाई थी वो अब तुम्हें ही खा जाएगी, और जो तुमने मतलब पहले जो कर्मा के बीज बोए थे वो अब तुम्हें परेशान करके जाएंगे, वो बोलते हुए साथ में एपिक करवाना और साथ में पूरी ऑडियंस के सामने करना, लाइक लोग ऐसे मतलब हमने देखा कि मतलब ऐसे बहुत सारे फाइट सीन्स होते हैं बट ऐसे खुले में ओपन में सबके सामने करके जाना अलग ही लेवल का स्वैग था, जोरदार सीन था बिल्कुल। और ऊपर से यार विजय जी की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जिस तरीके से एक्ट किया इस पूरे मैजिक शो को, क्योंकि लाइक ये न तो ये कोई प्रोफेशनल मैजिशियन है, तो एक प्रोफेशनल मैजिशियन की तरह इन्होंने पूरा एकदम बारीकी से ऐसा साफ सुथरे तरीके से किया है, ऐसा लग रहा है वो एक्चुअल में हो ही रहा है, तो डायरेक्टर की भी तारीफ करनी होगी और विजय जी की भी तारीफ करनी होगी। और ऊपर से देखा जाए तो स्टार्टिंग से तो उनका कैसा एकदम नॉर्मल मैजिशियन से है, जैसे वो बच्चे के साथ में एकदम हंसते से एकदम हंसते खेलते रह रहे हैं, ऑडियंस को एकदम पूरा इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जब वो डॉक्टर आकर लेटता है तब उनके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं कि लाइक वो उनको पोएम सुना रहा है, और ऊपर से फिर वो मास्क हटाना, और फिर वो जो अपने हॉस्पिटल सीन में बंदा देखा था ना वो गाँव वाला बंदा, उसका बीच में क्लिप डालना, तो वो बोला कि ना फिर ये तो बोल रहे थे मारन, फिर वो बोलते नहीं वेत्री मारन, तो उससे लगता है इनका कोई कनेक्शन लग रहा है, डॉक्टर का और वो गांव वाले मतलब को कनेक्शन लग रहा है, और वेत्री मारन कौन है इसमें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, बाकी मेरे को यार मूवी देखने की आग लगी पड़ी। और मेनली वही है कि उन्होंने जिस तरीके से पूरा प्ले आउट किया, लाइक शुरुआत में जैसे अब वो ये पता लग रहा है कि वो मैजिशियन रियल मैजिशियन नहीं है, हां लाइक पहले आना किसी और को था, ये किसी और की जगह लेकर आए, तो ये जब मास्क उतारा तो ये अलग ही थे ना, पर क्या पता ये असली मैजिशियन है, क्योंकि इतनी बारीकी से करना तो वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अलग ये मैजिशियन नहीं है, तो फिर अगर ये मैजिशियन नहीं तो उन्होंने फिर उसी हिसाब से पूरा करना कि भाई पहले शुरुआत में आना, लोगों को दिखाना कि मैं पूरा मैजिशियन हूँ, हर एक चीज करना, वो आग लगा के दिखाना कैंडल्स में, और हर चीज करके दिखाना, फिर बच्ची के साथ करके दिखाना, तो सबका एकदम भरोसा जीत गया, फिर लास्ट में जाके वो आदमी को, और जैसे ही वो भरोसा जीता इतनी तालियां बजने लगी, तो फिर इससे जब उन्होंने लास्ट में पूछा कि मुझे कौन आएगा मेरा वॉलंटियर, तो सारे सारे हाथ उठाने लगे, फिर उन्होंने अपना एक बंदा चूज किया और फिर उसको मारा, तो मारन मुझे लगता है उनका नाम था जो वो विलेज वाले थे, उनका नाम शायद मारन होगा और इनका नाम वेत्री मारन होगा, ऐसा हो सकता है, और ये कुछ रिलेटिव में लगते हो या कुछ भाई हो या कुछ बिछड़े हुए भाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बाकी और क्या है वो बताना शुरू करना था, मूवी तो देख लेंगे, बहुत ही शानदार लगा। और ऊपर से इसका ऐसा भी देखा जाए तो ऐसा भी देख सकते हैं कि है ना क्या मालूम ये असली मैजिशियन हो पर कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना हो, तो उस वजह से इन्होंने सोचा कि है ना लाइक एक पूरा अपना मेरा मैजिक शो तो हो ही रहा, तो उसमें लाइक उसमें बंदे को बुला के लेटा के सबके सामने मैं मारता हूँ, तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटीज है कि कोई पुराना हिसाब, जैसे
जैसे वो बीच में पुराने गांव वाले को दिखाया तो हो सकता है इनके बेटे निकले या फिर ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसमें भी एक बच्चा था जैसा हमने हॉस्पिटल सीन देखा था ना, तो हो सकता है ये बच्चा वही हो। तो बहुत इंटरेस्ट जगह है मूवी के अराउंड, और बाकी अब जैसे जैसे सीन्स बचे वो सब हम फटाफट कंप्लीट करके फटाफट मूवी देखने लगे। बाकी जोरदार सीन लगा, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा, और #200k की तरफ मतलब सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।